सो आज हमारे पास है KTM Duke 390 2024 एडिशन, इसे आप जनरेशन 3 भी बोल सकते हो और या फिर BS7 Duke 390 भी बोल सकते हैं। तो इस गाड़ी का हम लोग आज रिव्यू लेते हैं जिसका क्या क्या चेंजेस हुआ है कंपेयर करते हैं पुराने वाले मॉडल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इसका फ्रंट लुक से। तो फ्रंट लुक आप देखेंगे अभी थोड़ा 390 कम 1290 ज़्यादा लग रहा है, डीप 1290 थोड़ा ये इंस्पायर्ड है। फ्रंट लुक काफ़ी ज़्यादा बल्की वर्सेस है और काफ़ी बड़ी बाइक लग रही है। फ्रंट में आप जो इसका DRS देखते हैं ये काफ़ी ब्यूटीफुल है और इसका हेडलाइट एक बार दिखाता हूँ आपको। सो ऐसा लगता है जब भी इसका हेडलाइट ऑन होता है। सो DRS काफ़ी ब्यूटीफुल लगते रहे हैं और साथ में आपको जो इंडिकेटर्स मिल रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ दिया गया है। इसमें कुछ नया चेंजेस नहीं हुआ है या आपको सेम मिलता है जो ओल्ड वाला मॉडल में होता है या फिर मिलता है LED में। और जो सस्पेंशन मिलता है आपको WP Apex का मिल जाता है और ये फुल्ली एडजस्टेबल है, ये सब देखते हैं यहाँ पे। फिर सस्पेंशन से आपको मिलता है USD कंप्रेसर प्लस रेप एडजस्टमेंट सब मिलता है, ये फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशन है। और टायर का बात करें आपको मिलता है 17 inches, इसको सेक्शन मिलता है आपको 110/70 R70 का मिलता है। और ये इसका फ्रंट का डिस्प्ले, इसमें आपको जो इसका गैप जो दिख रहा है बीच का जो वेस्ट पार्ट था उसे KTM ने हटा दिया और इसका वजह से इसका जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा हल्का हो चुका है और इसका जो परफॉर्मेंस वो बढ़ चुका है और डिलीवरी का डिस्प्ले मिल जाता है आपको गार्ड दिया जाता है इसका सस्पेंशन के लिए। और ये फाइबर का मिलता है, वेट का नीट है। और फिर एक बस का साइड लुक दिखाता हूँ मैं, देखा काफ़ी कम है क्योंकि मुझे थोड़ा ऑफिस के अंदर जाना पड़ेगा। सो ये देखिए इसका साइड लुक कैसा दिख रहा है आपको। और इसका जो फेयरिंग है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, यहाँ पे 390 का बैजिंग होगा, ड्यूक का बैजिंग किया हुआ है और यहाँ पे आपको बेंच का डैंग दिया गया है एयर इनटेक के लिए। और वहीं बात करें इसका टैंक का रफ मिलता है 15 liters का टैंक मिलता है और ये मेटल का ये आपको फाइबर में रखा है। और ये पूरा बॉडी आपको मिलता है फाइबर का प्लास्टिक का, यहाँ पे 820 का बैजिंग किया हुआ है। और ऐसा की दिखाता हूँ मैं आपको रिलीज की कैसा मिलता है और ये की का कवर है 22 rays बैजिंग किया हुआ इसका फोकस कर लेके। तो चलिए बात करते हैं इसके बटन स्केश। तो यहाँ पे आपको मिलता है लोबिन हाइड्रोन का ऑर्डर मिलता है नंबर ऑन करता है ये इल्यूमिन से चलाता है। यहाँ पे आपको लोबिन हाइबिन हेडेड लाइट का मिलता है आपको और यहाँ पे आपको नेविगेशन बटन मिल जाते हैं और यहाँ पे इंडिकेटर्स, यहाँ पे हॉर्न, यहाँ पे किल स्विच और सेल कॉट मिलता है। और जो क्वालिटी इसका फिटिंग फिनिशिंग काफ़ी अच्छा है। और ये रहा इसका जो मेन डिस्प्ले 5 inches का TFT डिस्प्ले मिल जाता है। तो अभी ये स्ट्रीट वर्क पे तो इसका फायदा मिलता है वो दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर टाइम मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्ट्रीट गेज मिल जाता है, यहाँ पे आपको RPM मीटर मिलते हैं, यहाँ पे स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपको वो सॉकेट मिलता है, आपको बैटरी स्ट्रीट ट्रिप दिखा रहा है, यहाँ पर रोड का दिखा रहा है, ABS का कौन सा मोड का है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल का दिखा रहा है, यहाँ पर लो स्टिक दिखा रहा है, यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर दिखा रहा है। सो फिर चेंज करने के लिए हम लोग को राइट मोड जाना पड़ेगा और उसे फ्रैक वॉल में करेंगे और अब इसका इन चेंज हो गया। तो ऑफ और न्यूट्रल का पता मिलता है ये पोजीशन इंडिकेटर का और हमें मिलता है 4 RPM मीटर, यहाँ मिलता है 4 launch control, ABS ट्रैक्शन कंट्रोल, लैप स्पीडोमीटर, मैं आपको लैप को वर्जिंग देता है, यहाँ पर टाइमर भी आता है। और आपको दिखा दें यहाँ पे तो ABS मिल जाता है आपको, ये आपको मिलता है दो टाइप, एक सुपर मोटो, सुपर मोटो आपको जो पीछे का जो ABS है वो आपको बंद हो जाएगा, आगे का ही चालू रहेगा। और रोड हो जाता है आपको और ट्रेसिंग कंट्रोल अपने से ऑन ऑफ कर सकते हैं, लॉन्च कंट्रोल मिल जाता है, ये आपको 1000 किलोमीटर के बाद एक्टिवेट होगा। और देखिए आई पे जाएंगे हम लोग, इस आपको कूलिंग टेम्परेचर, फ्यूल रेंज दिखा रहा है, बैटरी दिखा रहा है, वोल्टेज, ओडोमीटर एंड सर्विस का दिखा रहा है और वार्निंग। और उसके नीचे जाएंगे हम लोग तो यहाँ पर ट्रिप दिखा रहे हैं, ट्रिप 1, 2 कितने खाली है गाड़ी। और सिग्नल से हम लोग सेटिंग 20 का जो इंफर्टन है ये भी एक्टिवेट नहीं हुआ है, और सॉरी अभी ये ट्रैक मोड में ट्रैक मोड भी एक्टिवेट नहीं होगा, इसका स्ट्रीट पे करना पड़ेगा। अब आ गया तो आपको स्पीड कंट्रोल मिलता है, अब इसे अपना स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, आपको जितना स्पीड चाहिए, वार्निंग लिमिट सेट कर सकते हो हम लोग स्पीड का।
ये आपको सिर्फ स्ट्रीट में और रेनो मिलेगा, ट्रैक में नहीं मिलेगा। लास्ट में आपको मिल जाता है सेटिंग और बीच का जो बटन है ये आपको मिलेगा मोबाइल कनेक्शन साथ आपको मिलेगा, जिसमें जो आपको ब्लूटूथ कनेक्टिव होता है उसके वजह से आप नेविगेशन और म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे प्ले पॉज कर सकते हैं, गेम सेटिंग में जाएंगे तो मिलता है फेवरेट का बटन, क्विक सिलेक्टर मिल जाता है आपको, कनेक्टिविटी क्विक शिफ्टर चेंज कर सकते हैं आप लोग, ऑल ऑफ कर सकते हैं अपने हिसाब से, शिफ्ट लाइट मिल जाता है आपको, ये वार्निंग लाइट्स एक तरह से बोल सकते हैं आप लोग। आफ्टर 1000 किलोमीटर बाद ही एक्टिवेट होगा ये भी। ये जैसे सारे फीचर्स मैंने दिखा लिया, इसका कुछ काफ़ी ज़्यादा फीचर लोडेड डिस्प्ले मिल जाता है आपको। और अब बात करते हैं इसके इंजन का, सो इंजन अपग्रेड हो चुका है, तो इसका जो पावर बिल आपको मिल जाता है 46 BHP का मिल जाता है, पहले शायद 44 BHP का था, और जो टॉर्च आपको 39 Nm का मिलता है, जो पहले टॉर्च आता है 37 Nm का अराउंड होता था, ये अपग्रेड हो चुका है। और हैव आपको मिलता है क्विक शिफ्टर एज ऑलवेज, और आपको न्यू चेसिस फ्रेम मिल जाता है, ये नया फ्रेम है स्पेशली 390 के लिए डिज़ाइन किया गया है। हमें आपको इंडियन गार्ड मिल जाता है, कूलिंग मिल जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर सीट सब आते हैं, तो फॉरन सीट मिल जाता है जो कि इस बार काफ़ी कम्फर्टेबल है, कुस्टिंग काफ़ी अच्छी है इसको। यहाँ पर डुअल टोन मिल जाता है, डुअल टेक्सचर सॉरी, और यहाँ पर ग्रैप हैंडल्स मिल जाते हैं आपको जो कि प्लास्टिक में है, ये फाइबर का है, मेटल का नहीं दिया गया है, ये फाइबर का है। और इस साइड से देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे जो पीछे का मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, ये आपको न्यू डिज़ाइन मिल जाता है इसमें, और पीछे का आपको मिलता है मोनोशॉक प्लस प्री लोड एडजस्टमेंट के साथ मिल जाता है, और ये आपको मिल जाता है 10 mm का एडजस्टमेंट के साथ, आप इसे डाउन कर सकते हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस आपको बढ़ा दिया गया है, मैं आपको स्क्रीन पर लिख देता हूँ ग्राउंड क्लियरेंस कितना है इसमें। सो ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा दिया गया, सीट हाइट लो कर दिया गया, पहले ग्राउंड क्लियरेंस हाई था और सीट हाइट भी, पहले ग्राउंड क्लियरेंस लो था और सीट हाइट हाई था। और ये था इसका टेल लाइट, न्यू टेल लाइट मिल जाता है आपको 30 सीट में मिल जाता है, एक काफ़ी ब्यूटीफुल है, और यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, और ये रहा इसका मड गार्ड पीछे का, ये आपको सारा हल्का करने के लिए इसमें आपको एक विंड का डिज़ाइन दिया गया है। और पीछे का टायर मिलता है आपको 150x60R17 इसका मिल जाता है, और डिस्प्ले आपको पता है ये बेबी का आता है, KTM का फेवरेट है। सो कैसे लगे आपको ड्यूक 390 2024 एडिशन, तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, तो लेट मी नो दैट। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।